पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आज 8 राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इसमें शिमला से हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी जुड़े हुए थे। ये चर्चा उस वक्त हुई जब देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 91 लाख के पार पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ अहम चर्चा की। देखिए, अभी आज की बैठक विशेष तौर से कोरोना को लेकर के हुई थी। अब कोरोना किस पूरे देश भर में हर राज्य में क्या सिचुएशन है, इस बात को असेस किया गया। और दूसरा कि वैक्सीन आती है तो उसकी तैयारी क्या क्या है, उसकी कोल्ड चेन किस प्रकार से आप लोगों ने मेंटेन करनी है, किस प्रकार से सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, हमारे प्रायोरिटी किसके लिए होनी चाहिए, ये अगर ये वैक्सीन आती है तो कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनको हमने प्रायोरिटी पर जो है ये वैक्सीन देनी है, इन सारी बातों पर डिटेल में डिस्कशन। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का संदेश था वो एक ही था कि अभी तक गारंटी नहीं है कब तक आएगी, तब तक जब तक नहीं आती है तब तक के लिए सावधानी एकमात्र रास्ता है। इसको लोगों को समझाओ, लोगों को गंभीरता लाने के लिए प्रयत्न करो, ये सबसे आगे। केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर हिमाचल को तैयार रहने के लिए कहा है। पिछले कल सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर प्रस्तुति दी है। ये बताया था कि वैक्सीन के लिए किसी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी सबसे पहले ये किसे दी जाएगी, साथ ही सेंटरों को लेकर भी बताया है। ऐसे में हिमाचल वैक्सीन को लेकर तैयार है और अब है तो बस वैक्सीन का इंतजार। हमारी हिमाचल प्रदेश में पूरी तैयारी है, मामलों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी हम यही कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक इलाज नहीं आया इसका, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस बात का हम आग्रह करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल की जनता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है इसमें भी, अभी आने वाले समय में हमको। या तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।